एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स कहते हैं कि दूसरों के साथ कंपटीशन करना आपकी खुद की क्रिएटिविटी की हत्या करने के बराबर है। हमने ये सीख लिया है कि सक्सेसफुल कैसे दिखे, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि अपने जीवन को कैसे जिए जिससे हम सक्सेस को फील कर सके। जैसे कार अपने फोर व्हील्स पर बैलेंस्ड होती है, ठीक उसी तरह हमारा जीवन भी चार क्रूशियल एरियाज पर बैलेंस्ड होता है, जो है पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ और सोशल कंट्रीब्यूशन। आपको ये चारों एरियाज में बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर किसी एक एरिया में आपका स्कोर हाई और किसी में आपका स्कोर बहुत लो होगा तो आपको जर्नी का मजा नहीं आएगा। जैसे कार के टायर में प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक उसी तरह लाइफ के इस एरियाज में हमें हमारा एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे इन सभी एरियाज को मेंटेन करके अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फर्स्ट व्हील है पर्सनल लाइफ। हम चीजों को वो जो है उसी तरह नहीं देखते, हम उसे हम जो है उसी तरह देखते हैं। और ये सही भी है कि जैसे आप होगे वैसे ही आपको दुनिया दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू बना है, उसे अगर कोई बिजनेसमैन देखे तो उसमें उसको बिजनेस दिखेगा। अगर कोई आर्टिस्ट उसे देखे तो उसमें उसको आर्ट दिखेगा। सीमेंट वाले को सीमेंट दिखेगा और लोखंड वाले को उसमें लोखंड दिखेगा, और इंश्योरेंस एजेंट को उसमें इंश्योरेंस दिखेगा। मतलब कि ये तो पक्का है कि जैसे आप होगे वैसे ही आपको दुनिया दिखेगी। तो दुनिया को बेहतर और अच्छे नजरिए से देखने के लिए पहले हमें अपने आप को अच्छा और बेहतर बनाना पड़ेगा। हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए, क्योंकि आज आप जो भी हो उसके पीछे कई हजारों लोगों के हाथ है, आपके माता पिता से लेकर स्कूल के वो स्वीपर तक। हमें हमारे ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव साइड को देखे, क्योंकि आज नेगेटिविटी और प्रॉब्लम्स तो सबके जीवन में है। भगवान, अल्लाह और जीसस के जीवन में भी प्रॉब्लम्स थे, और हम तो सामान्य मनुष्य है इसीलिए प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही, पर उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा जिससे हम एम्पावर्ड होके वो नेगेटिविटी के सामने लड़ सके। समस्याएं तो सभी के जीवन में होगी। अगर अभी मुकेश अंबानी भी चाहे तो अपनी समस्या बता सकते हैं कि मेरे पास सिक्स पैक वाली बॉडी नहीं है और निराश हो सकते हैं, लेकिन नहीं, उनके पास जो है उसके लिए वो ग्रेटफुल है। अब आप कहोगे कि उसके पास तो पैसे है तो कौन ग्रेटफुल नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में कई सारे लोग हैं जिसके पास बहुत ही कम पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी वो करोड़पतियों से भी ज्यादा खुश रहते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ ग्रेटफुल रहो और कुछ ना करो, पर आप ग्रेटफुल रह के भी तो आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपके पास जो भी हो उसके लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि अभी जो आपके पास चीजें हैं वो कई लोगों का सपना होगी। और वैसे भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छी बातें और बुरी बातों के बीच का फर्क नहीं जानता, इसीलिए आप जैसा सोचोगे और जैसा बोलोगे वो वैसे ही चीजों को आपके जीवन में अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि जैसे आपके घर में लगा एक छोटा सा बल्ब आपके ही शहर के सबसे बड़े पावर हाउस से किसी ना किसी तरह कनेक्टेड है, ठीक उसी तरह आप भी सुप्रीम पावर से किसी ना किसी तरह कनेक्टेड ही हो। इसीलिए आपको चालू रखने के लिए पूरी कायनात आपको सिग्नल के रूप में हेल्प भेजती ही रहेगी। सेकेंड व्हील है रिलेशनशिप का। आज के स्पीडी जमाने में सब कुछ इंस्टेंटली हो सकता है। इंस्टेंट फूड ऑर्डर कर सकते हैं, इंस्टेंट टिकट हो सकती है, इंस्टेंट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बट सैडली अवर रिलेशनशिप डू नॉट वर्क दैट वे। रिलेशनशिप्स एक पौधे को ग्रो करने के बराबर है, जिसे कॉन्स्टेंट केयर चाहिए जिससे वो एक दिन खिल सके, और उसके लिए कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है। स्वर्ड और वर्ड्स दोनों में सेम लेटर्स है, और अगर उसको प्रॉपर हैंडल ना किया जाए तो दोनों से सेम ही इफेक्ट जनरेट होगी। जिस तरह स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने से पहले अटैकर को पता होता है कि उसको कहाँ मारना है, उसी तरह वर्ड्स का इस्तेमाल करने से पहले आपको भी पता होना चाहिए कि आपको सामने वाले को कहाँ टच करना है, क्योंकि शब्दों से दिखाई ना देने वाली खरोचे आ सकती है जो कई साल और पूरी जिंदगी भी ले लेती है ठीक होने में। इसीलिए रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल है कि कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ कर बोला करे, और दूसरा प्रिंसिपल है कि सेपरेट द एपिसोड फ्रॉम द पर्सन। अगर आपकी किसी के साथ बहस हो गई है तो हमारा दिमाग दो ही सॉल्यूशन सोचता है कि आइदर इट इज योर प्रॉब्लम और इट इज माय प्रॉब्लम, लेकिन ये दोनों गलत है। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि इट इज द प्रॉब्लम, मतलब कि वो समस्या को वो पर्सन से अलग कर दो, जिससे दो बेनिफिट्स होंगे। आप वो व्यक्ति को माफ भी कर पाओगे और वो समस्या का समाधान भी आसानी से ढूंढ पाओगे। तो रिलेशनशिप्स के व्हील को अच्छी तरह मेंटेन करने के लिए दोनों प्रिंसिपल याद रखो कि फर्स्ट जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, और सेकंड प्रॉब्लम्स और पर्सन को अलग कर दो। थर्ड व्हील है वर्क लाइफ। हम उन्हीं लोगों के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं जिनकी वर्क लाइफ और लाइफ स्टाइल थोड़ी बहुत हमारी वर्क लाइफ और लाइफ स्टाइल से मिलती जुलती हो। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के साथ कम्पीट करता है, एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर के साथ कम्पीट करता है, बिजनेसमैन बिजनेसमैन के साथ, और स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पिटिशन करते रहते हैं।
लेकिन ये अच्छा काम नहीं है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स कहते हैं कि दूसरों के साथ कंपटीशन करना आपकी खुद की क्रिएटिविटी की हत्या करने के बराबर है, क्योंकि कंपटीशन से आप कुछ नया क्रिएट करके नहीं पर कॉपी करके ग्रो करने की कोशिश करोगे। कंपटीशन बुरी बात नहीं है, पर कंपटीशन हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी मतलब कॉम्पिटिंग विथ योर सेल्फ। हर रोज अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो, दूसरों से बेहतर बनने में कुछ नहीं रखा। आपको कंपटीशन क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक जबरदस्त वीडियो बनाया है, जिसे आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो के बाद जरूर देखें। फोर्थ व्हील इज सोशल कंट्रीब्यूशन। पिघलती हुई आइसक्रीम और पिघलती हुई मोमबत्ती हमें काफी कुछ सिखा जाती है। आइसक्रीम से सीखने को मिलता है कि लाइफ पिघल जाए उससे पहले उसका मजा ले लो, और मोमबत्ती से सीखने को मिलता है कि लाइफ पिघल जाए उससे पहले दूसरों को प्रकाश दे दो। एक हमें सेल्फिश बनाती है और एक हमें सेल्फलेस बनाती है। आइसक्रीम और मोमबत्ती दोनों पिघलती है, लेकिन दोनों के पिघलने के रीजंस कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको अपने जीवन में आइसक्रीम की आइडियोलॉजी अपनानी है या कैंडल की, क्योंकि मोहम्मद अली कहते थे कि दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करना आपका इस पृथ्वी पर रहने का किराया देने के बराबर है। गौर गोपाल दास ने अपनी इस बुक में कई सारे इंसिडेंट्स बताए हैं जो आपका लाइफ की ओर देखने का पूरा नजरिया बदल देंगे। अगर आपकी उम्र 20 साल से ज्यादा है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। इस बुक की रेटिंग अमेजोन पर 4.5 से भी ज्यादा है। इस बुक की लिंक मैंने यहाँ पर दे दी है, अगर आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं।